हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर चुके हैं मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, या फिर इस सीरीज़ की कोई सी भी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर। तो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, एज वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, बेसिकली इजिप्शियन सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ह्यूमन का जो हिस्ट्री है। ह्यूमन जो था, अर्ली ह्यूमन था, वो अफ्रीका में डेवलप हुआ और अफ्रीका से एवोल्यूट करके जो आज का मॉडर्न डे जो होमो सेपियंस होता है, उन्होंने यहाँ से मूव आउट किया और डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के रीजन में इन्होंने यहाँ पर रीच किया, या फिर इन्होंने अपने आप को डेवलप किया अलग अलग देश के, दुनिया के कोने में जा जाकर। तो जहाँ पर भी ये स्टेबल हुए, जहाँ पर भी रुके, तो वहाँ पे इन्होंने एक सिविलाइजेशन डेवलप करी। हम देखते हैं इंडिया में इंडस रिवर के पास जो सिविलाइजेशन है वो ऐसे ही डेवलप हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन चाइना में भी है, चाइनीज सिविलाइजेशन। हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, और ऐसे ही आज हम एक और सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि नाइल रिवर पर है। तो हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो इसकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो लोकेशन है वो ये वाली लोकेशन रहेगी, जो नाइल रिवर है। बेसिकली जितनी भी सिविलाइजेशन होती हैं वो किसी ना किसी रिवर के पास होती है। जैसे कि हमारा मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था वो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के पास था, वैसे ही ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो नाइल रिवर के पास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के पास है। तो हर सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के पास होती है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ वाटर होता है जिससे वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो रिवर के पास इनकी सिविलाइजेशंस रहती है। तो आफ्टर लोकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर। इजिप्शियन आर्किटेक्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स रहते थे काफ़ी मैसिव रहते थे, काफ़ी बड़े रहते थे, और क्योंकि हमने देखते हैं इनके इजिप्शियन आर्किटेक्चर से हमें देखने को मिलता है, समझ में आता, माइंड में आता है वो बड़े बड़े पिरामिड्स, तो हम उससे जज कर सकते हैं कि हाँ भाई बहुत मैसिव स्ट्रक्चर्स इनके हुआ करते थे। और इनका जो अगर बात करें बिल्डिंग मटेरियल की, तो मड ब्रिक वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल फॉर द डोमेस्टिक बिल्डिंग। ये याद रखना, अगर आपको कोई डोमेस्टिक बिल्डिंग वहाँ पे है इजिप्शियन आर्किटेक्चर में, तो वो मड ब्रिक की मिलेगी, और जितने भी टेम्पल या टॉम्स होते थे जो कि मैसिव स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वो जनरली स्टोन को ही फेवर किया करते थे टेम्पल और टॉम्स बनाने में। हमने पिरामिड्स भी देखेंगे हम आगे चल के, तो वो भी स्टोन के ही कंस्ट्रक्टेड है। तो मड सिर्फ ओनली प्रेफरेबल फॉर डोमेस्टिक या फिर हाउसेज जो रहते थे उनको डोमेस्टिक बिल्डिंग बनाने में प्रेफर किया करते थे। और जो इनके जो आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ओपन स्पेसेस में हमने कॉलम देखने को मिलेंगे, जो कि रिजेंबल करते हैं प्लांट्स से, जैसे जंगल होता है तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वैसे ही ये रिजेंबल करते हैं ट्रीज या प्लांट्स से, क्योंकि इनके बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे इनके प्लांटेड रहते हैं जगह जगह पर इनके स्ट्रक्चर्स में। और ये हम देखते हैं कि इनकी काफ़ी डिटेलिंग रहती है, द कॉर्नर डिटेलिंग्स इनमें रहती है, जो रिजेंबल करती है द बंच ऑफ रीड्स, जैसे कि रीड्स होती है ना जिसके हम रीड्स की जो शेड या रूफ बनाते हैं, तो बेसिकली जो स्ट्रोज और रीड्स जो होती हैं उनके बंच के जैसा है, इनके कॉर्नर डिटेलिंग रिजेंबल करती है। तो ये हमें एक पॉइंट देखना पड़ेगा इनके कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग में। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहेगा फ्यूनरी स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इनका जो भी कल्चर था, जो भी सिविलाइजेशन थी, वो ओनली एंड ओनली बेस्ड अपॉन द आफ्टर लाइफ। आपने सुना होगा या आपको पता भी होगा, जितने भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो अभी अपने प्रेजेंट से ले, प्रेजेंट में इतना ज़्यादा चिंतित नहीं रहते थे, वो टेंस रहते थे अपने फ्यूचर को लेके, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी डेथ के बाद, उनका ऐसा बिलीव था कि देयर इज़ अ आफ्टर लाइफ, तो वो डेथ के बाद की जो लाइफ है उस पर ज़्यादा फोकस किया करते थे, रेदर देन कि जो अभी इनकी प्रेजेंट लाइफ है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे।
तो उनके जो फ्यूनरी स्ट्रक्चर्स थे, जिनके टॉम्स हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा मैसिव हुआ करते थे, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करते थे, उन जो आर्किटेक्चर है वो भी काफी अच्छा हुआ करता था। तो इसीलिए जो हमें टॉम्स हमें देखने को मिलते हैं काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो बहुत सारी इन्होंने टेक्निक्स डेवलप करी थी, जैसा कि बहुत फेमस टेक्निक है ममीफिकेशन, जिसमें क्या होता था डेड बॉडी को ममीफाई किया कर दिया करते थे, जिससे क्या है वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो डिके नहीं होगी, वो बॉडी डिके नहीं होगी, जिससे क्या है कि उनका ऐसा बिलीव था कि आफ्टर लाइफ में उनकी सोल को एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो प्रेजेंट बॉडी होती है उनको ममीफाई करके वो प्रिजर्व कर लिया करते थे बहुत लंबे पीरियड के लिए। अभी हमने 1922 में एक ममीफाई बॉडी हमने डिस्कवर करी थी, द किंग टट की, टुटनखामेन की एक बॉडी डिस्कस करी थी, जो कि डिस्कवर करी थी, जो कि अराउंड 4000 टू 5000 ईयर अगो की बॉडी, मतलब 5000 साल के बाद भी वो बॉडी अच्छी कंडीशन में हमें मिली। तो ये पॉसिबल था बिकॉज ओनली ऑफ बिकॉज ऑफ ममीफिकेशन। तो ममीफिकेशन एक प्रोसेस था जिसमें बॉडी प्रिजर्व किया करते थे, और ये प्रोवाइड किया करते थे बहुत सारे ऐसे इसेंशियल आइटम्स जो हुआ करते थे, जो कि इनको डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ेगा, जैसे कि इनके ऑर्नामेंट्स, इनके जो ग्रेव रहती थी जिसको हम टॉम कहते हैं, तो इनके डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था, फूड आइटम इनके साथ रखा जाता था, क्योंकि आफ्टर लाइफ में मरने के बाद इन्हें एक खाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम इनकी टॉम्स में देखते हैं इनका फूड भी देखने को मिलता है, और ऑर्नामेंट्स भी, जैसे कि अगर कोई किंग की डेथ हुई है, जैसे इसे फैरो कहते हैं वहाँ पर, इनकी सिविलाइजेशन है फैरो, तो जो अगर किसी फैरो की डेथ हुई है तो उनके टॉम्ब में बहुत सारा गोल्ड भी हमें देखने को मिलेगा। और इनके साथ, क्योंकि एज अ किंग है तो वही सर्वेंट या लेबर भी, सर्वेंट की भी वहाँ पर टॉम्ब हमें उसमें भी डेड बॉडी देखने को मिलती है सर्वेंट, क्योंकि उनका ऐसा बिलीव था कि आफ्टर लाइफ में उन्हें एक सर्वेंट की भी ज़रूरत होगी, तो इसीलिए सर्वेंट को भी उसी के साथ वहाँ पर बरी किया जाता था। तो इनके कुछ ऐसे ये बिलीव थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, आई होप, मुझे लगता है आप सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो इनके जो बरी किया करते थे, तो बरी के टाइम जो इनके टॉम हुआ करते थे, इनिशियल कंडीशन में, जैसा जो स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन में जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो हुआ मस्तबाज, इसको कहते हैं मस्तबाज। तो बेसिकली मस्तबाज का क्या स्ट्रक्चर है हमें वो समझना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा कि जो अर्ली ओल्ड किंगडम था, जिसको एरिस्टोक्रेटिक जो इनका किंगडम हुआ करता था, जो रॉयल बरियल्स हुआ करते थे वो मस्तबाज में हुआ करते थे, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेटिक मतलब कि इनका किंग हुआ करता था, और थियोक्रेटिक जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उनका किंग नहीं हुआ करता था, बेसिकली उनके किंग की जगह वो गॉड को अपना किंग माना करते थे, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर एक किंग हुआ करता था, उसका बरियल मस्तबाज में क्या करते थे, जो कि जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लान में हो सकता है, उसमें एक शाफ्ट होती है और टॉम्स के अंदर चैम्बर होता है, बेसिकली इस सेक्शन में समझते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल से अबव का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें ऐसा ना पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पिरामिड भी नहीं कह सकते इसे, आप समझो ये कुछ इस टाइप से पिरामिड है जिसको ऊपर से चॉप कर दिया है, मतलब काट दिया गया है। तो इस टाइप से जो प्लेट्यूज जो रहते हैं, प्लेट्यूज टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ऐसे ये मस्तबाज बनाए जाते हैं। तो सबसे लास्ट में एक टॉम्ब बनाया जाएगा काफ़ी अंडरग्राउंड, तो यहाँ पे जो एक्चुअली डेड बॉडी जो उसकी रखी जाएगी वो यहाँ पर रखी जाएगी टॉम्ब में, और टॉम्ब से एक प्रोवाइड किया जाता है शाफ्ट, और शाफ्ट के बगल में, इसको थोड़ा इरेज करके बताता हूँ, ठीक है। तो शाफ्ट के बगल में यहाँ पे इनका रहेगा एक चैपल, तो बेसिकली एक ये रूम था प्रेयर रूम, और यहाँ पे शाफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इनका ऐसा, इनकी ऐसी मान्यता है, ऐसा बिलीव है कि जो टॉम्ब के बाद डेड बॉडी में जो इनकी स्पिरिट ट्रैवल करेगी वो शाफ्ट के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। तो और ये एक एज अ वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेगा टॉम्ब में, तो इसका ये पर्पज़ था शाफ्ट का, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ मस्तबाज रहते थे, इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर है मस्तबाज का। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये ऐसा स्लोपिंग में रहते थे, जनरली 75 डिग्री का यहाँ पर हमें स्लोप देखने को मिलता है, 75 डिग्री मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, एग्जैक्ट नहीं है, कम ज़्यादा होते रहे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली 75 डिग्री देखने को मिला है स्लोप। तो ये बेसिक से मस्तबाज स्ट्रक्चर है, लेकिन मस्तबाज का जब नेक्स्ट ये इवॉल्व हुआ, तो ये इवॉल्व हुआ मस्तबाज स्टेप पिरामिड में, यानी कि एक पिरामिड की इसने शेप लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में स्टेप पिरामिड,
तो बेसिकली हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है जो जोर्स का आर्किटेक्ट थे इम्फोप्त, ये जो भी नाम है शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, देख लेना। तो ये इम्फोप्त जो इनके आर्किटेक्ट थे उसकी जो उन्होंने इसकी टॉम्ब में ये स्टेप्स भी ऐड करवा दिए। इनिशियली मस्टबास कंस्ट्रक्ट हुआ था लेकिन इस आर्किटेक्ट ने इसके ऊपर स्टेप्स भी कंस्ट्रक्ट करवा दिए जो कि एक सिंबल था, अ स्टेयर वे टू हेवेंस, यानी स्वर्ग के लिए वो सीढ़ी। वो बेसिकली मतलब इनका पूरा मोटिव ही यही है कि आफ्टर लाइफ के बाद, मरने के बाद, आफ्टर डेथ जो इनकी लाइफ है बहुत ज़्यादा सुकून में जाए तो बहुत ईजी हो जाए, तो उसके लिए पूरा इनका स्ट्रक्चर का मेन फोकस रहता था आफ्टर लाइफ पे। तो उसके बाद पहले मस्टबास रहा करते थे। मस्टबास बेसिकली सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है और जो स्टेप पिरामिड है यहाँ पे पिरामिड की इन्होंने शेप लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ ये स्टेपिंग में रहते थे, कुछ इस टाइप से ये स्टेप पिरामिड रहते थे, ठीक है, स्टेप पिरामिड्स। स्टेप पिरामिड्स के बाद जो एक्चुअली हम बहुत पॉपुलर हैं, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। तो जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक्चुअल में ये एग्जैक्ट पिरामिडल शेप के हुआ करते थे और इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था, बिल्ड करवाया था अराउंड फोर्थ डायनेस्टी, जो इनकी फोर्थ डायनेस्टी थे उसके अराउंड इनको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो ये काफ़ी बाद में कंस्ट्रक्ट हुए हैं, इससे पहले स्टेप पिरामिड और मस्टबास भी हो चुके हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो आज के टाइम में जो हमें देखने को मिलता है वो बहुत हमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ द ग्रेट फ्योर्नी डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है पिरामिड्स के, यानी कि इनका ऐसा मतलब बिलीव है कि जब एक्चुअल में जो सिविलाइजेशन बहुत स्केल पर रही होगी अपने मैसिव स्केल पर, तो बहुत ज़्यादा पिरामिड्स होंगे जो आज के टाइम में बरी है हमें नहीं मिले। तो जो कंस्ट्रक्शन होता था पिरामिड्स का, ये पिरामिड्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ करता था तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन है, मतलब काफ़ी लेबर इसमें लगता है, काफ़ी लेबर, काफ़ी मैन पावर, और ये तो लेबर इंटेंसिव वर्क है। लोगों को ऐसा लगता है, कॉमनली सपोज कर लेते हैं लोग कि जो इसमें लेबर थी वो स्लेव लेबर थी, मतलब उनको पेमेंट नहीं दिया जाता था, पेड नहीं हुआ था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अजम्पशन रॉन्ग है। एक्चुअली में यहाँ पर जो पिरामिड की जो कंस्ट्रक्शन में जो लेबर थी एक्चुअल में वो पेड लेबर थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क था। तो यहाँ पर जो लेबर की कंडीशन थी, जो हेल्थ कंडीशन थी, वो काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि काफ़ी इनको फिजिकल वर्क करना पड़ता है इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम। तो ऐसा एज्यूम करने लगे क्योंकि लेबर की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए कि ये स्लेव लेबर है, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है स्लेव लेबर जहाँ पर भी वर्क होता है स्लेव से काम करवाते हैं तो उनकी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो लेकिन याद रखना ये पेड लेबर है, ओके। तो ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो एक परफेक्ट एक टाइप से हमें ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इक्विलेटरल स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री का रहता है एंगल, एज वी ऑल नो, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन जो हमें चीज़ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं, किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर। किंग चैम्बर थोड़ा सा अपर, थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेसमेंट रहता है और क्वीन चैम्बर उसके नीचे थोड़ा प्लेसमेंट रहता है। इसी के साथ साथ एक फॉल्स टॉम चैम्बर भी बनाई जाती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर एक चैम्बर बना दिया जाता है जो कि खाली रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। और ये इसलिए बनाया दिया जाता है कि क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है, इनके चैम्बर्स में जो यहाँ पर इनके बरियल रहेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेजरी रहता है बेसिकली, तो इनके थीव जो रहते हैं जो उनको चुरा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक फॉल्स टॉम बना दिया जाता है और डायरेक्ट एक एंट्रेंस दी जाती है जो कि फॉल्स टॉम में एंट्री करें, जिससे क्या होता है मैनिपुलेट कर दिया जाता है थीव को कि उसे लगता है कि यहाँ पर टॉम है और यहाँ पर एक चैम्बर है और बेसिकली उसे यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअल में जो चैम्बर की प्लेसमेंट होती है वो मिडिल ऑफ दी पिरामिड होती है और इस चैम्बर के लिए दो वेंटिलेशन शाफ्ट प्रोवाइड करें हैं, बेसिकली वेंटिलेशन शाफ्ट है और इसका एक और पर्पज है जैसा मैंने डिस्कस किया कि इनके स्पिरिट्स को ट्रैवल आउट करने के लिए ये एक वेंटिलेशन या फिर एक ये वे प्रोवाइड करते हैं, दो शाफ्ट। तो कुछ बेसिकली इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर रहता है क्वीन का, और क्वीन से लेके किंग तक एक गैलरी रहती है जिसे बोलते हैं ग्रैंड गैलरी, वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था उस टाइम पर। तो इनका कुछ इस टाइप से बेसिकली स्ट्रक्चर रहता था और जो एंट्रेंस है वो ज़मीन पे नहीं रहती थी, ये याद रखना, ये ज़मीन से या फिर ग्राउंड लेवल से हाइट पर रहती थी। और हाइट पर रखने का बेसिकली इसका एक मेन ओनली एक पर्पज़ है, ईजीली एक्सेस ना कर सके इसको कोई, क्योंकि थोड़ी सी हाइट पर है तो ईजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको एक्सेस करने के लिए,
और इजीली एक्सेस ना कर पाए, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज़्यादा ट्रेजरी रहती है इसके अंदर, तो इसीलिए कोई नहीं चाहता कि उनकी टॉम को कोई चुरा ले जाए, कोई थीफ। ठीक है, तो ये पिरामिड का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन पिरामिड की जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक चले नहीं, क्योंकि बेशक इसको इस टाइप से बनाया गया था ताकि इसे थीफ चुरा ना पाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोबरी होती थी। सारे थीफ जो रहते थे, इनके टॉम की थीविंग जो करते थे, वो सारा उनका ट्रेजरी चुरा लिया करते थे। तो इन्होंने एक और नई टेक्निक फिर इन्होंने डेवलप करी, जिसको बोले द थेबेन नेरकोपोलिस। द थेबेन नेरकोपोलिस में बेसिकली क्या होता था कि जो पिरामिडल स्ट्रक्चर थे वो अब इन्होंने बंद कर दिए, अबंडेंट हो गए ओल्ड किंगडम में, वो अबेंडेंड हो गए, क्योंकि उसका रीजन था उसको चोर चुरा लिया करते थे उनकी जितने ट्रेजरी थी। बाद में मतलब इनके इनके इस टाइम में, द थीबेन नेरकोपोलिस के टाइम में, जो फेरोज हुआ करते थे उनको बरी किया गया अपर इजिप्शन, इजिप्ट के अपर पोर्शन में, यानी कि नॉर्दर्न पोर्शन में, नाइल को क्रॉस कर, नाइल जो रिवर है, मैं मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पर ये रीजन पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर बात करिए अपर इजिप्ट में, ये नाइल को क्रॉस करके कुछ इस वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, तो अपर इजिप्ट में इनकी एक वैली, यहाँ पर एक वैली है, तो उस अपर इजिप्ट के नाइल को क्रॉस करने के बाद जो उस वैली में फ्रॉम करक एक सिटी है, वहाँ पर एक प्लेस है करक, वहाँ उससे उसको क्रॉस करके वहाँ पर एक वैली है, उस वैली के अंदर क्लिफ जो चट्टानों के अंदर उनको खोद कर वहाँ पर एक स्पेस उन्होंने बनाया और उसके अंदर टॉम्स को प्लेस करने स्टार्ट कर दिए, बेसिकली पहाड़ों के अंदर। इनका पर्पस ये था कि जहाँ पर जो थीव्स आते थे, चोर आते थे, इनकी टॉम्स को उनकी कब्र से जो सोना चुरा के लेके चला जाया करते थे, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वैली में ये प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जो घाटी हुआ करती थी पहाड़ों की। तो उसके जो वैलीज के अंदर जो टॉम्स रहते थे, उनका जो इंटीरियर कुछ इस टाइप से रहता था, काफ़ी रिचली डेकोरेटेड था, काफ़ी मतलब हाईली ज़्यादा डेकोरेटेड था। पेंटिंग्स हमें जनरली देखने को मिलती हैं, और पेंटिंग के साथ साथ हमें एक लो रिलीफ कार्विंग्स, यानी कि एक होती है हाई रिलीफ कार्विंग, यानी कि जिसमें हमें ज़्यादा डिटेलिंग या फिर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कार्विंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे लो रिलीफ मिलती है, यानी ज़्यादा डेप्थ की कार्विंग नहीं देखने को मिलती, लो रिलीफ कार्विंग्स हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर, थेबेन नेरकोपोलिस में। लेकिन ये जो मेथड था ये भी कुछ ज़्यादा खास सक्सेसफुल रहा नहीं, तो ये भी यहाँ से भी चोर इनका ग्रेव में, जो ग्रेव रोबर्स जो कहते थे, कब्र में सोना चुराने वाले, इन्होंने यहाँ पर भी फिगर आउट कर लिया कि कैसे इनको सोना चुराना है, और वहाँ पे जितना भी गोल्ड था वो चुरा के ले गए। लेकिन लकीली टूटेन खामेन की जो टॉम है वो हमें मिलती है, और वहाँ पर वो जो चोर हैं टूटेन खामेन की कब्र से चोरी नहीं कर पाए, और जब 1922 में इनकी टॉम का जब ओपनिंग हुई, तो एक्चुअल में वो इतना गोल्ड, इतना ट्रेजर देखने को मिला था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि इतना गोल्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप मेरे को बताना कमेंट करके, 1922 में वो कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनकी टूटन खामिन की टॉम को डिस्कवर किया था, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। इसके बाद टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए, हालांकि जो थे उसको इस सारे प्रोसेस के बाद भी जो इनके ट्रेजरी थे वो स्टोर कर सकते थे, सेफ स्टोर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इनको इसका ऐसा फील हुआ कि हाँ इनको टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, क्योंकि टेम्पल भी काफ़ी ऑस्पिशियस एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि टॉम एक काफ़ी ऑस्पिशियस है, यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता टॉम में, क्योंकि एक फैरो की टॉम में हर कोई अलाउड नहीं था, वैसे ही एक जो टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट हुए, हस्तेसपुस टेम्पल जो कि थेबेन नेरकोपोलिस के आसपास है, पोलिस मतलब सिटी, पोलिस मतलब सिटी, ठीक है, तो ये भी एक थेबेन नेरकोपोलिस के आसपास है, ये जो भी टेम्पल है, ये टेम्पल भी काफ़ी पवित्र जगह थी, हर सिविलाइजेशन में टेम्पल, आज भी टेम्पल काफ़ी पवित्र जगह होती है। तो ये सबके लिए नहीं था, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो इसमें जो एंट्रेंस थी ना वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, तो जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस है उसको पाइलॉन कहते हैं। तो इनके यहाँ पर ये इस टेम्पल में तीन रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है, तो यानी कि तीन पाइलॉन्स देखने को मिलते हैं। तो पहला एंट्रेंस यानी कि फर्स्ट एंट्रेंस काफ़ी नैरो एंट्रेंस है, यानी इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस है। जनरली अगर आप किसी और मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे तो उनके एंट्रेंस काफ़ी मैसिव होते हैं टेम्पल्स में, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, तो इसलिए काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए फर्स्ट प्लान
उसके बाद एक हॉल रहेगा पिलर्ड हॉल, इसके बाद सेकंड रिस्ट्रिक्टेड जो सेकंड पाइलोन यहाँ पर रहेगा, उसके बाद एक और हॉल प्रोवाइड रहेगा जो कि इसमें और ज़्यादा पिलर्स रहेंगे, इसमें स्क्वायर पिलर्स, इसमें सर्कुलर पिलर्स। इसके बाद जो थर्ड प्लान है, ये वाला थर्ड प्लान है, इसके बाद जो सेक्रेट एरिया रहेगी जिसमें चैपल्स रहेंगे, चैपल्स यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर वो पूजा वगैरह करते हैं उनके सिविलाइजेशन में, तो ये भी काफ़ी सेक्रेट यानी काफ़ी पवित्र जगह है। तो यहाँ तक पहुँचने हर किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि सबके लिए था नहीं, नॉर्मल पीपल यहाँ पे आ नहीं सकते थे, एंट्री नहीं थी उनकी, तो जो उनके प्रीस्ट होते थे वही यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर बात कर रही है। तो द एंटायर टेम्पल वॉज सराउंडेड बाय द विंडोलेस वॉल, तो इनके टेम्पल में जो वॉल हुआ करती थी उनमें कोई विंडो नहीं हुआ करती थी, हालांकि फिर भी विंडो नहीं हुआ करती थी, जो कि टेम्पल में लाइट और शेडो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रखा करते थे, इसमें लाइट और शेडो हुआ करती थी। और जो वॉल्स है टेम्पल की वॉल्स है माइट बी ब्लैंक, यानी कुछ नहीं हुआ था, हो सकता था, मतलब या तो पूरी वॉल खाली रहती थी या तो लो रिलीफ कार्विंग्स, जैसे हमने बताया ना कार्विंग्स हुआ करती थी पत्थरों के अंदर तराशना, तो या तो लो काफ़ी लो रिलीफ कार्विंग हमें देखने को मिलती थी या तो जनरली खाली भी देखने को हमें वॉल्स भी मिला करती थी खाली। तो ये कुछ टेम्पल की एंट्रेंस है जो कि कार्विंग्स है, काफ़ी लो रिलीफ कार्विंग्स है और कुछ इनके स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो टेम्पल की बेसिकली एक वॉल है, तो जो टेम्पल की वॉल्स हैं वो वॉल ओपनिंग में कॉलम्स में और एक विंडो फीचर पर्टिकुलर लोकेशन, जितने भी उनमें फीचर्स रहती थी मतलब बेसिकली जो उसमें ओपनिंग रहती थी वहाँ पर जो लाइट पड़ती थी वो एक तरह से एम्फोसाइज करते थे किसी एक पर्टिकुलरली और फीचर्स की तरफ। अगर एब्यू सिंबल जो कि एक टेम्पल है, अगर इस पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो इसकी वॉल जो थी ना काफ़ी डीपेस्ट थी टेम्पल के अंदर, जहाँ पर बेसिकली जो इनके आइडल जो मूर्ति वगैरह जो रखी जाती थी तो काफ़ी अंदर थी टेम्पल में, वो इतनी अंदर थी कि साल में सिर्फ दो बार ही वहाँ पर शेडो आती थी या लाइट आती थी। ठीक है, तो ये एब्यू सिंबल का टेम्पल है, ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर है इनके गेट पर। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है एब्यू सिंबल टेम्पल का स्ट्रक्चर है। और जो हम बात करें टेम्पल एंड कर्नक की, कर्नक में जो टेम्पल थे तो उनके यहाँ पर पाइलोन्स हुआ करते थे जो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो पाइलोन्स हैं और यहाँ पर काफ़ी नैरो स्ट्रीट दी गई है एंट्री के लिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है टेम्पल की। और इसके बाद लग्जर टेम्पल, लग्जर टेम्पल का जो कोर्ट यार्ड है काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम्स को पोस्ट कहते हैं, सराउंडेड बाय द पोस्ट, तो ये बहुत सारे इनके कोर्ट यार्ड में जो पब्लिक कोर्ट यार्ड रहते हैं इजिप्ट के सिविलाइजेशन में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें कॉलम्स रहेंगे और कॉलम्स के ऊपर ये लिंटल भी प्रोवाइड रहता है कुछ इस टाइप से। तो बेसिकली ये इतना ही स्ट्रक्चर है, कम्प्लीट स्ट्रक्चर है, तो ये पब्लिक एरिया में ये देखने को मिलेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने डिस्कस किया था, ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स और ट्रीज, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स और ट्रीज, क्योंकि ट्रीज भी कुछ इसी टाइप से रहते हैं, आपने देखा है ना ट्रीज के ऊपर की कैनोपी आपस में मर्ज हो जाती है, तो बेसिकली ये उसको रिप्रेजेंट करता है, रिक्रिएट करता है। टेम्पल ऑफ कर्नक में हमने देखते हैं कि जो उनके ये कॉलम्स हैं काफ़ी मैसिव कॉलम्स हैं, उसका बेस है काफ़ी मोटा बेस है, काफ़ी थिक बेस है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेंस फॉरेस्ट को, इसको बोला जाता है डेंस फॉरेस्ट ऑफ द कॉलम्स। तो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल, जितने भी एलिमेंट्स वो उन्होंने देखे उस टाइम पे बस उनको बिल्डिंग में रिक्रिएट कर दिया। और ये इनके कैपिटल्स हैं कॉलम्स और उनके साथ कैपिटल, जो कि मैंने कहा ट्री को रिजेंबल करते हैं, कैनोपीज इनकी मर्ज हो जाती है, ट्री की जो कैनोपीज होती हैं उसको रिजेंबल करते हैं ये टेम्पल ऑफ कर्नक में। और क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर में बात करें तो लाइट और शेडो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, तो जो लाइट की एंट्रेंस है वो कहाँ से लाइट एंट्री कर सकती है टेम्पल के अंदर, वो थ्रू वॉल ओपनिंग, वॉल में कुछ ओपनिंग कर सकते हैं, कॉलम्स के बीच में जो गैप है, जैसे कि इन दो कॉलम्स के बीच में ये गैप है, तो इन गैप्स में लाइट एंट्री कर सकती है और विंडोज से भी लाइट एंट्री कर सकती है। तो बेसिकली ये इस टाइप के फीचर्स रहते हैं लाइट और शेडो के लिए आर्किटेक्चर में। तो बेसिकली ये सब था हमारे इजिप्शियन आर्किटेक्चर में। अगर आपसे यहाँ पर हमारी PDF ख़त्म होती है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी।
और तब तक के लिए बाय टाटा।